एंड अगेन आई एम गोइंग टू सिंगापुर। और गैस को फिर से मौत पड़ गई है। और इस दिल में क्या रखा? Hi guys, good morning. Welcome or welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really, really great. So, सुबह हो चुकी है, नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन से. सॉरी, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग से. कभी कभी हो जाता है. और आपने मेरे एक ब्लॉग में देखा था, मैं ओवरनाइट ओट्स की बात कर रही थी, तो ये रहे वो. तो मैंने सोचा कि अब बना ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, तो आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए. सो ये ओवरनाइट्स मैंने रखा था सोक करके. सो इसमें कुछ सीड्स डाले हैं, जैसे कि चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स. बाकी मैं अभी बाद में यूज़ करूँगी. और थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़ा सा एक चम्मच दही डाल के इसको बंद करके रख दीजिए फ्रिज में. और रात के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. और मीठे के लिए आप हनी यूज़ कर सकते हो. अगर नहीं खाना है तो फिर चीनी डाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी. तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये रात को सोक करने के बाद. अब ऐड करते हैं बाकी चीज़ें. तो गाइज़, ये रहे ओट्स. आप जितने ओट्स का क्वांटिटी ले रहे हो, जैसे एक कप लिया है तो आपको एक ही कप दूध डालना है, दो कप ले रहे हो तो दो कप डालना है. और एक चम्मच आप दही डालिए, उसके बाद इसमें चिया सीड्स ऐड करिए. एंड देन शुगर के लिए, आई मीन मीठे के लिए, यू कैन ऐड हनी. अगर हनी पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली शुगर, बट शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो ट्राई कीजिए कि आप हनी ऐड कीजिए. और फिर ऊपर से हम डालेंगे ये. सो ये है पम्पकिन सीड्स, थोड़े से हम ये ऐड कर लेंगे. रेजन्स मैंने ऑलरेडी डाली है, इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी. इफ़ यू वॉन्ट मोर तो यू कैन ऐड. दिस इज़ योर सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से ये ऐड कीजिए. सो ये आमंड्स हैं जो मैंने भिगो दिए थे. सो गाइस, ये है बनाना, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर फ्लाइट. और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया. सो दिस इज डेट्स, तो दिख गया मुझे थोड़े सस्ते दाम में, तो मैंने ऑर्डर कर लिया. सो आई विल ऐड दिस ऑल्सो. सो आपको गाइस मैं अभी बताऊं, टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30, और 3:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, बिकॉज कल था मेरा स्टैंड बाय. मेरा रेस्ट था, रेस्ट चेंज करके उन्होंने मुझे दे दिया स्टैंड बाय, जो सुबह के 2 बजे ख़त्म हुआ. घर आते आते मुझे 3 बज गए, सोते सोते 4 बज गए, 4 भी नहीं 5 इनफैक्ट. और फिर 1:30 बजे मैं उठी दोपहर के. इसलिए दिस इज़ माय फर्स्ट मील. और मैं हमेशा चाहती हूँ फर्स्ट मील एटलीस्ट हेल्दी हो. अगर ब्रेकफास्ट अच्छा करो तो पूरा दिन तुम्हें एनर्जी रहती है. और रात को फ्लाइट भी है, तो लेट्स सी कैसा जाता है दिन. एंड अगेन आई एम गोइंग टू सिंगापुर. अभी इसके बाद मुझे अपना बैग पैक भी करना है. आप सोच रहे होंगे पैक तो ऑलरेडी किया था जब स्टैंड बाय पे गई थी. बट जब भी स्टैंड बाय पे जाती हूँ, आई ऑलवेज कैरी 1 सर्दी का कपड़ा एंड 1 गर्मी का कपड़ा. बट अभी मैं जा रही हूँ सिंगापुर, सो आई नो कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर होने वाला है. तो आई डोंट नीड विंटर क्लोथ्स, तो फालतू में बाहर लेके क्यों जाना. तो आई हैव टू रिमूव विंटर क्लोथ्स, सिर्फ गर्मियों के रखूँगी. प्लस खाने पीने की चीज़ें मुझे देखनी है, बिकॉज मैंने स्टैंड बाय के हिसाब से चीज़ें डाली थी, जैसे चिप्स विप्स हो गए. तो अब कुछ अच्छा डालूंगी, बिकॉज ले ओवर पर जाना है तो यू नीड समथिंग टू ईट. हाय गाइस अगेन. सो मैं बैग अपना पैक कर चुकी हूँ और टाइम हो चुका है 5:45 शाम के. और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं कुछ बना सकूं, इसलिए जब मैंने ऑर्डर किया था बिग बास्केट से सामान, तो मैंने एक ही ऑर्डर कर लिया था. आई थॉट कि ये मैं लेके जाऊंगी लेओवर पे, बट आई एम हंग्री और अभी कुछ भी बनाने का टाइम नहीं है. और जो भी बनाऊंगी वो एक्स्ट्रा ही बन जाएगा, हमेशा क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है. सो दिस इज़ दाल मखनी विद पीज़ पुलाव. लेट्स सी कि कैसा होता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले मुझे देखना भी पड़ेगा ये कैसे बनता है. सो इस पर लिखा है, यू कैन इमर्स द पाउच इन बॉइलिंग वाटर. सेकेंड ऑप्शन है, कट द पाउच एंड एम्प्टी द कंटेंट इनटू माइक्रोवेव डिश एंड कीप इट फॉर 1 to 2 minutes. एंड थर्ड इज़, मेक अ स्मॉल कट ऑन द टेयर नॉच ऑफ द पाउच एंड प्लेस इट अपराइट इन अ माइक्रोवेव डिश. सो
आई एम गोइंग टू चूज द सेकेंड वाला ऑप्शन. लेट्स जस्ट ओपन इट कि क्या है कैसा है. What is this behavior? Wow, it comes with fork and this bhartan also. And this is rice ko quantity. Isme likha hai ki it serves two, I think. It's written what? Serves one likha hai. Main soch rahi thi ki layer pe jaungi aur bach jayega. तो वेस्ट हो जाएगा बट आई एम श्योर कि आई कैन ईट दिस मच. यार और गैस को फिर से मोत पड़ गई है, बंद हो गई थी. थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ मैं. वेलकम टू सिंगापुर गाइस. तो हम लोग लैंड हो गए थे सिंगापुर में. 5.5 घंटे की फ़्लाइट होती है. और एक चीज़ बहुत अच्छी है सिंगापुर में कि इमिग्रेशन के लिए लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ यू नो प्रॉपर डिजिटल. एक मशीन पे आपको सिर्फ स्कैन करना है अपना पासपोर्ट, जस्ट लुक इनटू द कैमरा एंड यू आर गुड टू गो. तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो. और जहाँ तक बात करें हम सिंगापुर में लैंड होने के बाद घूमने की, तो बारिश देख के थोड़ा सा डाइसी हो गया है. फ़्लाइट पे बहुत हमने डिसाइड किया कि हाँ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी मेड लॉट ऑफ प्लान्स बट लेट्स सी कि वो एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं. और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं किसी भी लेवर पे जाऊँ ना तो बारिश होना तो मतलब तय है. आई डोंट नो वाई. मेरा नाम मेघा है तो इसलिए बादल और बारिश मेरे साथ साथ चलती हैं शायद. तो फिलहाल हम लोग होटल पहुंच के पहले करेंगे ब्रेकफास्ट बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है. उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि जाना है या नहीं जाना है. तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग और हंसते मुस्कुराते रहना. चलो चेक इन कर लिया मैंने, अब बारी आती है रेस्ट करने की. नेक्स्ट व्लॉग में आपको पार्ट 2 दिख जाएगा. चलो बाय बाय.